आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा एडमंटन तरफ से आप सभी को हिंदू हेरिटेज फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो हम यहां हैं आपकी मदद करने के लिए। रेजिडेंशियल मॉर्गेज की जरूरत हो, चाहे नया घर खरीदने का प्लान हो या मौजूदा घर पर बेहतर शर्तें चाहिए हो, हम आपके साथ हैं हर कदम पर। हमारी प्राथमिकता है आपको सही मार्गदर्शन देना ताकि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकें। आज ही कॉल करें 780-964-4362। हिंदी भाषा से अनंत स्नेह रखने वाले अजय जुगरान व्यवसाय से वकील पर हृदय से कवि और कहानीकार हैं। इनकी जन्मभूमि देहरादून एवं कर्मभूमि दिल्ली रही है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए 35 वर्षों से भारत और विदेश में लगातार कानूनी कार्य कर रहे हैं। आप काम और पर्यटन के लिए भारत के कोने कोने और 30 से अधिक देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। 2021 में आपका प्रथम हिंदी कविता संग्रह अतरंग सतरंग प्रकाशित हुआ। 2023 में अंग्रेजी लघु कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। आइए कहानी सुनते हैं एक बाजी शतरंज की, जिसके लेखक हैं अजय जुगरान और स्वर दिया है मैंने यानी स्मिता श्रीवास्तव ने। देहरादून में हमारे घर के दरवाजे से 50-60 गज दूर मेरे दादाजी के जीते जी उनके कल्पित इच्छित और खून पसीने से गढ़ित साझा पारिवारिक परिसर का एक बड़ा फाटक था। उनके चले जाने के बाद भी उनकी बटती घटती धरोहर का ये रखवाला उनकी सफलता और आशीर्वाद का द्योतक बन नैशविला रोड के अंत से एक तरफ कालिदास रोड को फूटते डोभाल वाला के प्रारंभ वाले तिराहे पर दोस्त रिश्तेदार मेहमानों और शरणागतों के स्वागत में सस्नेह सावधान खड़ा रहता। वह अब 7 संपत्तियों का बस एकमात्र साझा घटक था, जो मेरे दादा की विभाजित संपत्ति के अगली पीढ़ी के अभी अविभाज्य वारिस बच्चों को उनकी ही तरह खुद पर लटक खूब झूलने देता। शायद इसीलिए मुझे नींद में भी उस पर स्कूल यूनिफॉर्म पहन चलती चींटियों का कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा गीत साफ सुनाई देता और कई बार बीच रात उठ मैं उसे चांदनी में चमकता देख फिर निश्चिंत सो जाता। उस ठंडी धुंध भरी छुट्टी की सुबह भी हम सब एक बार फिर पिताजी के मॉर्निंग अलार्म यानी ट्रांजिस्टर पर बीबीसी रेडियो सिलोन की अनवरत साए साए और टाए टाए धुन सुन किसी तरह जग गए थे। हम घर में कुछ न कुछ करते हुए भी कुछ करने को कह दिए जाने से बचने के लिए इधर उधर अभिनय में अत्यंत व्यस्त थे। इस सब के बीच उस फाटक की कुंडी खटकी तो खुले बरामदे में धूप खोजते पिताजी ने चाय और अखबार यथास्थान छोड़ अपनी गर्दन उचका कर घर की दीवार पार झांका। मैंने चप्पलों में पैर डाल फाटक तक कबड्डी कबड्डी बोल दौड़ने की सोची, लेकिन सामने बच्चों की सी मुस्कान लिए अपने हाथ मसल उंगलियां चटकाते पिताजी को देख रुक गया। कौन आया, माने आकर रसोई से पूछा। जोशी जी पधार रहे हैं, पिताजी ने अपने पोर प्रस्फुटित होती
खुशी से कहा, 8:30 बजे सुबह? हे राम, आज का भी दिन गया। माँ ने यह कह क्षण भर में बरामदा बुहार अतिथि के लिए संजो दिया। इधर कांधे पर एक छोटा झोला लटकाए अपनी काली हरक्यूलीज साइकिल खींचते पिताजी के शतरंज सखा अभीष्ट चुरकीधारी जोशी जी कुछ गुनगुनाते हुए घर का अंदरूनी गेट खोल रात की ओस से भींगे आंगन में प्रविष्ट हुए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। मुंह से भाप छोड़ते जोशी जी ने अपनी साइकिल मयूर पंखी पेड़ के पास दीवार पर टिका अपने स्वागत को सावधान खड़ी समिति के दोनों सदस्यों को हाथ जोड़कर उनसे नजर मिलाई। माँ ने इस चिर परिचित किंतु आज औचक आगंतुक के अभिवादन में हाथ जोड़ सर झुका आदर से कहा, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, अहो भाग्य जोशी जी, आप आए, नमस्कार। पिताजी ने एक खिली मुस्कान बिखेर बड़े जोश से कहा। कुछ समय था पंडित जी, सो चला आया। जोशी जी ने बिना किसी के पूछे रविवार को इतनी सुबह अपने टपक पड़ने पर सफाई दी। अच्छा किया जोशी जी, बहुत अच्छा किया, पिताजी ने कहा, मानो किसी बच्चे को नादान शैतानी के लिए उत्साहित कर रहे हो। बैठिए भाई साहब, लीजिए अदरक की चाय पीजिए, माँ ने जोशी जी को चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा। वाह भाभी जी वाह, जोशी जी ने प्याली दोनों हाथों से पकड़ अपनी नाक की सूक्ष्म आरती उतारी और फिर उसे 2-3 घूंट में ही गटक कर कहा, आहा अति उत्तम चाय भाभी जी, आहा अति उत्तम चाय। माँ प्यालियां ट्रे में रख रसोई को बढ़ी। अवसर देख पिताजी ने बिन टटोले जोशी जी की नब्ज पकड़ी। चलिए जोशी जी, हो जाए एक बाजी शतरंज की। क्यों नहीं पंडित जी, आप बोले तो हम एक क्या दो को राजी हो जाएं, जोशी जी बोले। फिर क्या था, पिताजी गौ तकिया लगा दीवान पर, जोशी जी बड़ी कुर्सी के किनारे पर, शतरंज गोल मेज पर, सब यथा योग्य स्थान पर, और जोशी जी के ओम नमः शिवाय और कान छूने के साथ पहली बाजी शुरू हुई। शुरुआती तेज चालों के बाद चुस्त मोहरे कुछ धीमे हो गए और संवाद सुप्त सा हो गया। नाश्ता दबे पांव आया। आलू की भरी रोटी पर घर का मक्खन, अचार, हरी चटनी और ढकी कटोरी में आटे घी का खुशबूदार हलवा। हालांकि गर्दन झुकाए दोनों खिलाड़ी बाजी पर नजरें गड़ाए रहे। हाथ धो दोनों अपने अपने दाएं हाथ से नाश्ता करने लगे। एक गोल मेज, 64 चौकोरों वाली बिसात और उस पर फंसी हुई चालों पर चाले। तनाव में जोशी जी अपनी चोटी खींचते, पिताजी अपना माथा खुजाते और दोनों कभी कभी रोटी पर कटे मोहरों की चटनी लगा स्वाद से खा जाते। जैसे तैसे नाश्ता खत्म हुआ, बर्तन खुद ब खुद रसोई चले गए और हल्के गर्म पानी से इन बाजी बाजों के पंजे धुलवाए गए। अदरक की गरम गरम चाय रसोई से जाने कैसे उड़कर आ सुस्त मोहरों पर फिर से फुर्ती डाल गई और फिर अपनी एक ही चाल पर जोशी जी ने ज्यों ही त्रुटि पश्चात आभास में गर्दन हिलाई, पिताजी ने अपनी रानी की ताकत पर जोशी जी का एक प्यादा उड़ाते हुए कोमल किंतु निश्चित स्वर में शह कहा। फिर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने या स्वयं उससे छूट जाने पर पिताजी ने लाइटर से अपनी सिगरेट सुलगाई। कुछ क्षण
मौन। सर झुका थमे रण की स्थिति अवलोकन कर जोशी जी ने कहा, आहा अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी, आहा अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी। और फिर उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकाल एक बीड़ी अपनी बाई तर्जनी और मध्यमा बीच बिठाई और एक अपने दाहिने कान के ऊपर अटकाई। हार मानने को किंचित तैयार नहीं, वे कुछ देर सोचते सोचते हौले हौले अपनी चोटी खेच कुर्सी पर झूल रही बीड़ी चबाने लगे। इस सब पर भी जब कोई उपाय न सूझा तो हताश हो उन्होंने गला खखारा और उस शह को मात मान पिताजी की ओर देखा। ऐसी आसान जीत की खुशी को सखा सम्मान में लपेट पिताजी ने सिगरेट का धुआं छोड़ इशारे से उन्हें एक चाल सुझाई, लेकिन निराश जोशी जी ने अपने राजा को बाइज्जत बिसात पर लेटा बाजी उनको थमा दी। 2 घंटे से ज्यादा चले इस प्रातः प्रथम युद्ध से ये महायोद्धा थके नहीं और जोशी जी ने खड़े हो अपनी घड़ी देख स्वांत सुखाए उद्घोषणा की, अभी समय है। और वे फिर बैठ गए अर्धर कर वहीं कुर्सी पर। पिताजी जैसे ही शतरंज के धसक के पक्के गुलाम जीतने की चाह में बाजी पर बाजी खेलते रहे जोशी जी। अब दिन के भोजन पर छाने लगी शाम। इसी बीच देहरादून में ठंड की शिकायत पर धूप, धूप की शिकायत पर बादल, बादलों की शिकायत पर तेज हवा, हवा के पहाड़ियों से टकराने पर दिन दोपहर ओला वृष्टि हो इंद्रधनुष निकल आया। फिर सूरज बिन डूबे ही बादलों के पीछे सो गया, लेकिन हमारे शतरंज के सपाही अपने खंदकों से टस से मस ना हुए। 5वीं-6वीं बाजी के बीच का अंतराल था शायद। गुसल खाने से लौटे जोशी जी शाम की दूसरी तीसरी चाय की प्याली अभी हाथ में ले ही रहे थे कि घर के दरवाजे से दूर फाटक की कुंडी खटकी। जोशी जी ने दीवार पार झांका तो सड़क पर उड़ती चींटियों से घिरी जलती बुझती पीली लाइट में देखा कि मेरे बराबर के एक लड़का उछल उछल कर फाटक खोलने की कोशिश कर रहा है। इस पर लगभग उखड़ती उखड़ती अटकी सांस पर वो बोले, हे भगवान, ये तो पिंटू है, मेरा बेटा, क्या वजह है? फिर उन्होंने सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी और अपना सर पकड़ बड़बड़ाए, हैं 5:30, अधर्म हो गया पंडित जी, अधर्म हो गया। और ये कह वो धम्म से दीवान पर लुढ़क गए। समय रुका, आत्मग्लानी से भरे पिताजी एकालाप विलाप विलीन जोशी जी के पास खड़े हो गए और माँ दौड़ी आई संध्या पूजन से उठकर। इस असमंजस में भी मैंने पिंटू को खेलने के लिए आंगन के बाहर रोका और उसका उतरा मुंह देख मैं उसे भीतर ले आया। वह माँ के दिए प्रसाद के लड्डू पकौड़े पकड़ हम दोनों दीवार को जकड़ से चुपचाप खड़े सब देख सुनने लगे। अरे मैं तो निकला था सवेरे लेने पिंटू की माँ की दवा, उसके दांत में पूरी रात बड़ा दर्द था, दुकान खुलने में अभी समय था तो आदतन पंडित जी आपके घर का रुख हुआ, सोचा एक बाजी शतरंज की खेल कर फिर चक्कर लगा लूंगा। हाय भाभी जी, अब बिमला क्या कहेगी, मैं क्या जवाब दूंगा, जोशी जी बोलते चले जा रहे थे। माँ पिताजी मुंह लटकाए निशब्द दोषी से दीवान पर असहाय पड़े जोशी जी के पास खड़े थे। स्थिति को गंभीर जान पिंटू ने साहस बटोरा और कहा, बाबा मैं दवा ले आया था,
अम्मा अब ठीक हैं, बस आपकी चिंता में उन्होंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। चलो घर चलें। बाबा अब अंधेरा हो गया है, चलो घर चलें। बेटे की बात सुन जोशी जी के प्राण में प्राण आए। दीवान से उठ खड़े हुए, चाय के दो घूंट पिए, साइकिल पकड़ी, पिंटू को बैठाया और पिताजी की ओर देखकर आंख घुमाकर बोले, वो रानी की ताकत पे घोड़े की ढाई हवाई शहचाल, अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी, आहा आहा अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी। पंडित जी जो आज बच गया तो पक्का फिर खेलेंगे एक बाजी शतरंज की अगले इतवार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार, नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की कहानी एक बाजी शतरंज की, मेरी यानी स्मिता श्रीवास्तव की आवाज़ में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारी सोशल मीडिया लिंक्स पर ज़रूर बताइए। अगली कहानी के साथ शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।